तो हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है ये जो ऑयल रिग्स होते हैं ये समुद्र के बीच कैसे बनते हैं? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऑयल रिग्स होते हैं इन्हें समुद्र के बीच में नहीं बल्कि जमीन पर बनाया जाता है और बनकर तैयार होने के बाद इन्हें समुद्र में ले जाया जाता है। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसे सुन के तो आप हैरानी हो जाओगे। ये जो ऑयल रिग्स होते हैं इनका बेस समुद्र में 1000-2000 मीटर गहरा नहीं बनाया जाता। तो आप बोलोगे भाई ये समुद्र में खड़े कैसे रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये पानी पर तैर रहे होते हैं और इन्हें स्टेबल रखने के लिए बड़े बड़े हैवी एंकर का यूज करा जाता है। अगर जैसे समुद्र की गहराई 1000 मीटर है तो उतने ही बड़े एंकर का यूज करा जाता है उसे स्टेबल रखने के लिए। और ये ऑयल रिग्स तो एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सी मशीन होती है जो समुद्र की गहराई के हिसाब से अपना बेस और एंकर चुनती है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना ना भूले।